हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है जहाज़ पे रडार क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, और रडार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहता है मैग्नेट्रॉन, उसका फंक्शन, उसको कब, क्यों और कैसे चेंज करते हैं। तो गाइज़, आप एंड तक ये वीडियो देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो गाइज़, काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि रडार क्या है। तो रडार इज़ अ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम जिसमें हम रेडियो वेव्स को यूज़ करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस, एंगल और वेलोसिटी पता करते हैं। तो गाइज, बीच समुंदर में हम लोग रडार का यूज़ करके अराउंड 185 किलोमीटर यानी 100 नॉटिकल माइल तक हम लोग को पता चल जाता है कि दूसरा शिप कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, उसका स्पीड क्या है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें रडार से मिल जाती है। सो दोस्तों, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने एस बैंड रडार मैग्नेट्रॉन पे काम किया था, उसका मैग्नेट्रॉन चेंज किया था, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एस बैंड एंड एक्स बैंड दोनों का मैग्नेट्रॉन डिफरेंट रहता है। तो एक्स बैंड मैग्नेट्रॉन चेंज करने से पहले समझते कि मैग्नेट्रॉन क्या है। तो बेसिकली मैग्नेट्रॉन जो रहता है, वैक्यूम ट्यूब रहता है, उसमें से शॉर्ट रेडियो वेव्स जनरेट होता है और वो ट्रैवल होता है और रिफ्लेक्ट होकर वापिस आता है। तो हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रहता है उसका स्पीड क्या है, एंगल क्या है, बेयरिंग्स क्या है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो एक्स बैंड रडार जो रहता है वो 4 सेंटीमीटर उसका वेव लेंथ है और फ्रिक्वेंसी रहता है वो 12 GHz है। तो काम स्टार्ट करने से पहले हमें पावर ऑफ करना है, उसका लॉग आउट और टैग आउट फ्रंट पैनल पर लगाना है। फ्रेंड्स, अभी मैग्नेट्रॉन पर काम करना सेफ है। सो अभी हम लोग उसका जो बोथ साइड कवर रहता है, दोनों तरफ का कवर हम लोग डिसकनेक्ट करेंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद अभी हमें ये पूरा यूनिट बाहर निकालना पड़ेगा मैग्नेट्रॉन चेंज करने के लिए। सो उसका माउंटिंग बोल्ट्स प्लस केबल कनेक्शंस, ये सभी हमें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप केबल कनेक्शन डिसकनेक्ट करो, आप वहाँ पे मार्किंग कीजिएगा ताकि आप वापस लगाने के टाइम पे भूल ना जाए। तो गाइज, इसको स्लाइडली बाहर हमें खींचना है, पुल आउट करना है ताकि हम लोग मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस कर पाए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेफली मैग्नेट्रॉन यूनिट को स्लाइड आउट कर दिया है। काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग सर्किट को डिस्चार्ज करेंगे। ओके गाइस, नाउ मैग्नेट्रॉन सर्किट इज़ डिस्चार्ज एंड हम लोग सेफली उस पर काम कर सकते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैग्नेट्रॉन का इनपुट जो है वो पल्स ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। तो पल्स ट्रांसफार्मर शोल्डर किया हुआ है, तो डी शोल्डर करके उसको डिसकनेक्ट करने के बाद हम लोग मैग्नेट्रॉन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा इंस्पेक्शन करना है हमें, पीएलसी चेक करना है, पल्स ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन, कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद हमें सेफली मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस करना है, सोल्डरिंग निकालना है, और रिप्लेस करने के बाद सोल्डरिंग वापस लगाना है। तो गाइस, जैसे हमने उसको निकाला था, पूरा कंट्रोल यूनिट को वैसे लगाना है और जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हमने डिसकनेक्ट किए थे वापस उसको कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। लोकेशन को सिक्योर करना है, मेन स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के बाद रडार को स्टैंडबाई मोड में रखना है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, 30 मिनट्स के बाद हमें रनिंग आवर्स को रीसेट करना है। रनिंग आवर्स को रीसेट करने के बाद हमें रडार का परफॉर्मेंस लेना है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रडार का परफॉर्मेंस कैसे लेते हैं और कौन से पैरामीटर्स है उसको चेक करते हैं। तो गाइस, आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।